चलिए प्रिपेयर करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन इस तरह यहाँ पे ड्रॉ करनी है और एक लाइन हमें इस तरह यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये पहला हाइड्रोजन है और ये दूसरा, तो ये एच टू मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि एटम का तो बनेगा नहीं, नाम ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो एच टू मॉलिक्यूल का बना रहे हैं। सो एच टू की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 1s1 होती है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 1s1। सो हम क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन का जो एटम ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है कौन सा, 1s, और इस वाले एटम का, इस वाले हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी 1s है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सो दो पार्टिसिपेट कर रहे तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखो ये वाले जो साइड वाले ऑर्बिटल हैं ये एटम के ऑर्बिटल हैं, इस वाले हाइड्रोजन का ये है और इस वाले हाइड्रोजन का ये वाला है, बट जो ये दो नए बन रहे हैं ये कहलाएंगे एच टू के ऑर्बिटल। सो ये इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। ओके, सो यहां पर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू होंगे, इसको नाम दे देंगे, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से नेमिंग करते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, क्योंकि पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे ये, ठीक है। अब देखो यहां पर ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया, अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। सो हाफ, अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है बॉन्डिंग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वन और ये टू, सो टू इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो, सो टू माइनस जीरो टू एंड टू बाई टू कितना हो जाएगा, वन। सो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कितनी बॉन्ड्स बन रही है, सो एच और एच के बीच में कितनी बॉन्ड बनती है, वन, और वही हमारा आंसर आया। सो ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम।